आपने इलाहाबाद या प्रयागराज का नाम तो सुना होगा, जहाँ इलाहाबाद त्रिवेणी संगम और दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ के लिए बहुत फेमस है, वहीं ये इलाहाबाद बम बनाने के लिए फेमस, वो हाथ वाला बम। और आपको पता है ये बनाता कौन? आप सोचेंगे गुंडे मवाली, पर ये सब गुंडे मवाली नहीं करते, यहाँ पर ये करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स। और यहाँ के हॉस्टल्स में मिलते हैं बम हाथ वाले, और बहुत कॉमनली, इतने कॉमनली तो दिवाली में पटाखे भी नहीं मिलते होंगे जितने कॉमनली यहाँ पे हॉस्टल्स में बम मिलते हैं। आप चौंक गए होंगे कि ये बोल क्या रही है। इस शहर को यूपी की पॉलिटिक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बोलना गलत तो बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के नाम पर पॉलिटिकल कैरियर की ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर बहुत से लोग बड़े बड़े नेता भी हो गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। और इसकी शुरुआत होती है स्टूडेंट इलेक्शन से, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल होते हैं, और इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रूबरू कराते हैं डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया अपनी नई वेब सीरीज गर्मी के फॉर्म। नहीं नहीं वो समर वाली गर्मी नहीं, बल्कि गुस्से वाली गर्मी। देश को सबसे ज़्यादा ISPCS देने वाले शहरों में आता है इलाहाबाद, और यही सपना लेकर माँ बाप भेजते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसे इस सीरीज में त्रिवेणी यूनिवर्सिटी बोलकर इंट्रोड्यूस कराया गया है। ऐसा ही दिखाया जाता है इस सीरीज में, जहाँ एक स्टूडेंट UPSC निकालने का सपना लेकर आया प्रयाग, घर के सबसे बड़े होने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, पढ़ाई में बहुत होशियार, बस एक कमी, इसे गुस्सा बहुत आता है, दिमाग में बहुत गर्मी है इसके, कुछ भी हो, कुछ भी गलत हो, ये तुरंत चिढ़ जाता है, ना देखता है आओ ना देखता है दाओ, तुरंत कूट देता है। अब ये लड़का अपने गुस्सा के चलते और इत्तेफाक से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है, और बहुत दुश्मन भी बना लेता है। पर जब सर पर हाथ विधायक जी का हो और कुंडली में राजयोग लेके कोई घूम रहा हो, तो भाई कौन क्या बिगाड़ पाएगा इस लौंडे का। इस सीरीज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या हाल होता है, बहुत करीब से और बहुत एग्जैक्टली दिखाया गया है। बहुत सी लोकल प्लेसेस इलाहाबाद की कवर की गई है शूटिंग के लिए, जैसे कि नैनी, मुट्ठीगंज, जीरो रोड और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस सीरीज में प्रॉपर इलाहाबादी टोन यूज की गई है, और ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं इलाहाबाद में रह चुकी हूँ। वहाँ पर किसी से भी उलझना भारी पड़ता है, क्योंकि भाई सबके चचा यहाँ विधायक होते हैं। मिर्जापुर लेवल की गाली आपको बहुत आराम से मिलेगी, पर साथ में अच्छी खासी शुद्ध हिंदी भी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और नाटक भी शो में डाले गए हैं। व्योम यादव का कैरेक्टर पूरी तरह इलाहाबादी है, बीच में तो लगा ये इलाहाबादी लड़के को तो नहीं पकड़ लाए, क्योंकि लैंग्वेज और टोन दोनों का यूज बिल्कुल वैसा है। इम्प्रेसिव बर्बेट मानसु दूलिया, स्पेशली लैंग्वेज काफी अच्छे और कॉमन वर्ड्स यूज किए गए हैं इलाहाबाद के। और जो दिखाया गया है सीरीज में वो इलाहाबाद में वाकई होता है। टोटल 9 एपिसोड हैं इस सीरीज में, जो कि 40 से 45 मिनट के हैं, जिसे देखना टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करूंगी। एपिसोड्स थोड़े स्लो हैं, पर बोरिंग नहीं है। स्टार्ट के कुछ छोड़ने के बाद मुझे ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली मैं बोलूँगी एपिसोड 7 वाला जेल सीन, जहाँ एक आदमी बाकी सभी आदमी की मार रहा था। क्या वो तो मेरे स्क्रीन पर है। कुछ ऐसे एडल्ट सीन भी हैं जिसे देखकर आपको सच में हंसी आने वाली है। मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार दूंगी। कुछ भी सजेशन आपको लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।